गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. टुडे वी आर गोइंग टू टीच यू द पोइम द डैफोडिल्स. तो द पोइम डैफोडिल्स इज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ हु वाज बॉर्न ऑन 7th of April 1770 and died 23rd of April 1850, and his birthplace was Cockermouth, Lake District, England. Poet जो है ये romantic poet है, English poet. और इस जो daffodils है, the daffodils, इसकी जो first publication 3 stanza में हुई थी. एंड वेन इट वॉज रिवाइज्ड तो इसके 4 stanza हो गए. पोइम टाइप जो है ये लायरिक है. तो द डैफोडिल्स, आओ इसके बारे में अभी लाइन बाय लाइन इसका ट्रांसलेशन आपको करके बताते हैं. ध्यान दें, आप इधर कंसंट्रेट करें. द डैफोडिल्स, I wandered lonely as a cloud. मैं बादल की तरह इधर उधर अकेले ही बिना किसी उद्देश्य के घूम रहा था. That floats on high over vales and hills. जो बादल, जैसे कि बादल जो है पहाड़ियों के और वादियों के ऊपर बहुत ऊंचाई में चलते हैं, उसी तरह से कभी कहता है कि मैं भी इधर उधर बिना उद्देश्य के बादल की तरह इधर उधर घूम रहा था. आई वॉन्डर्ड, वॉन्डर्ड मीन बिना लक्ष्य के इधर उधर घूमना. लोनली मीन अकेले. क्लाउड जहाँ हो गया बादल की तरह. तो जब जहाँ एज ए क्लाउड आता है तो जे एज ए क्लाउड, इसको आप नोट कर लीजिए अंडरलाइन करके, जे सिमली है, इसका कंपैरिजन किया है किससे, क्लाउड से. पोइट ने अपने साथ कंपैरिजन किया है. आई कंपेयर विद एज अ क्लाउड, तो जे आपके पास सिमली है. व्हेन ऑल एट वंस आई सा ए क्राउड, जबकि मैंने अचानक एक भीड़ देखी. भाई किसकी भीड़ देखी? ए होस्ट ऑफ ओल्डन गोल्डन डैफोडिल्स, एक बहुसंख्या में सुनहरे रंग के जो फूल थे. डैफोडिल्स होते क्या हैं? फूल होते हैं. बिसाइड्स द लेक, वो झील के किनारे थे. बीनथ द ट्री, और पेड़ों के नीचे थे. जे उन फूलों की, डैफोडिल्स की लोकेशन बताई है कि उनकी लोकेशन कहाँ थी. बिसाइड द लेक, झील के किनारे. बीनथ द ट्रीज, और पेड़ों के नीचे. फ्लंटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, वो झूम रहे थे और ठंडी हवा में नाच रहे थे. कौन नाच रहे थे? फूल. फूलों की कितारें वहाँ पे जो लगी हुई थी, जब पंक्तियों में फूल जो वहाँ पे जो डैफोडिल के वो खिले हुए थे, तो वो वहाँ पे झूम रहे थे और ठंडी हवा में नाच रहे थे. तो ये आपका फर्स्ट स्टेंजा हुआ. फिर से इसको शॉर्ट में रिपीट करें तो आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड, मैं बिना किसी मकसद के उद्देश्य के बादल की तरह इधर उधर घूम रहा था, जे कवि का कहना है. दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, वेल्स जहाँ होती हैं वादियाँ, एंड हिल्स होती हैं पहाड़ियाँ. कहता है कि जैसे बादल वादियों के ऊपर, पहाड़ियों के ऊपर ऊंचाई पर उड़ते हैं, उसी तरह से मैं भी इधर उधर बिना किसी लक्ष्य के घूम रहा था. फिर कहता है कि अचानक कवि की नज़र जो है, पोइट की नज़र, वो एक भीड़ पर पड़ती है. वो भीड़ किसकी है? डैफोडिल्स की, जिनका कलर जो है वो गोल्डन है, सुनहरे रंग के. हालांकि फूल नहीं होते हैं, लेकिन वो उनकी तुलना की गई है कि सुनहरे कलर के जो फूल हैं वहाँ पे उसको एक झुंड में बहुत संख्या में दिखते हैं.
और उनकी लोकेशन के बारे में बताता है कि झील के किनारे हैं और पेड़ों के नीचे हैं, झूम रहे हैं और मंद हवा में, ठंडी हवा में वो नाच रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टैंजे पे चलते हैं, सेकंड स्टैंजा। कंटिन्यूज एज द स्टार्स दैट शाइन, उसी तरह से जैसे कि लगातार तारे जो हैं जे चमकते हैं। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, मिल्की वे हो गया दूध गंगा, ट्विंकल होता है टिमटिमाना, स्टार्स होते हैं तारे और शाइन होता है चमकना। कहता कि लगातार उसी तरह से चमक रहे थे वो, कौन, डैफोडिल्स के जो फूल थे, जैसे मिल्की वे में, जैसे दूध गंगा में जो तारे हैं वो हमेशा के लिए चमकते रहते हैं। दिस टेस्ट इन नेवर एंडिंग लाइन, वो कभी भी समाप्त ना होने वाली एक कतार में थे, एक पंक्ति में थे। स्ट्रेस्ड मीन फैले हुए, इन नेवर एंडिंग लाइन, जो कभी समाप्त ना होने वाली पंक्ति हो, कतार हो। अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ बे, उस मीन कर्ब के साथ, उस जा झील के किनारे वो लगे हुए थे, किनारे किनारे। 10,000 सा आई एट ए गैलेंस मीन एक ही नज़र में, एटा गैलेंस, गैलेंस मीन एक ही नज़र में। तो कभी कहता है कि एक ही नज़र में मैंने 10,000 के करीब देखे। टासिंग देयर हेड्स स्प्राइटली डॉन्स, वो अपने हेड्स को मीन उनके जो पेटल्स ऊपर होते हैं, उनकी जो पंखड़ी होती हैं, उनके जो पत्ते ऊपर निकले होते हैं, फूलों की जो पत्तियां पेटल्स निकलते हैं, वो टास कर रहे थे, झूम रहे थे और खुशी से नाच रहे थे। स्प्राइटली मीन खुशी से, और डांस मीन जहाँ नाचना, तो खुशी से अपने सरों को वो घुमा रहे थे और नाच रहे थे। नेक्स्ट स्टेंज आता है, द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड, उनके अलावा वहाँ पे जो वेव्स हैं, वेव्स कहाँ पे, जो झील की वेव्स हैं, झील में जो तरंगे हैं, लहरें हैं, वो भी उनके अलावा वहाँ डांस कर रही हैं। फूल तो डांस कर रहे हैं, डैफोडिल्स तो डांस कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ जो तरंगे हैं, जो लहरें हैं झील में, वो भी नाच रही है। बट दे आउट डिड द स्पार्किंग वेव्स इन ग्ली, परंतु वो जो डैफोडिल्स हैं, वो उन चमकती हुई जो तरंगे हैं, लहरें हैं झील में, उनको भी पीछे कर देते हैं, पिछाड़ देते हैं। कौन, वो डैफोडिल के जो फूल हैं, वो झील में लहराती हुई जो तरंगें उठ रही हैं, सुनहरे कलर में चमकती हुई तरंगें, उनको भी पीछे कर देते हैं। मीन डैफोडिल्स फूल उनको भी पिछाड़ देते हैं, पीछे कर देते हैं। ए पोइट कुड नॉट बट बी गे, कवि का जहाँ प्रसन्नता का, खुशी का कोई ठिकाना नहीं है कि ये प्रसन्नता कैसे उसमें पहुँची। इन साचा जाकंड कंपनी, ऐसी एक जो चीयरफुल उसको संगति मिली है, तो इसमें उसको कहाँ से ये प्रसन्नता आ गई। कभी आपका आगे कह कथन है, द बिली वर्ड्सवर्थ नेक्स्ट सेज, आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट। कभी कहता है कि मैं उनको निखारता रहा, निहारता रहा, मीन टिक टिकी लगा के देखता रहा, बट लिटिल थॉट, परंतु सोचा नहीं। बट वेल्थ द शो टू मी हैड बॉट, कि उन्होंने मेरे लिए कितना खुशी का खजाना लेकर आए थे। मीन उनकी संगति में जब मैं उन फूलों को निहार रहा था, टिक टिकी लगा करके देख रहा था, तो मेरा खुशी का ठिकाना नहीं था, और मुझे ये पता भी नहीं चला कि मेरे अंदर कितनी जो खुशी है उन्होंने भर दी है, कितनी खुशी मुझे दी है उन फूलों ने, उन डैफोडिल्स ने। तो नेक्स्ट स्टेंजा में आता है, कभी द पोइट सेज, जहाँ कभी कहता है, फार ऑफन
आफ्ट का मतलब जहाँ पे आ गया आफन अक्सर। बैन ऑन माई कॉच आई लाई, कॉच होता है सोफा। कभी जहाँ कहता है कि अक्सर जब मैं अपने सोफे पर लेटा होता हूँ, इन वेकेंट आर इन पैसिव मोड, जब शून्य अवस्था में होता हूँ, वेकेंट होता हूँ, जा उदासी के मूड में होता हूँ, उदास होता हूँ। दे फ्लैश अपॉन दैट इन वर्ल्ड आई, तो वो मेरे अंतर मन में, उनका जो फ्लैश है डैफाडिल्स का, उनका जो दृश्य मैंने देखा हुआ है, वो मेरी आंखों के सामने आ जाता है। विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, जो मेरे अकेलेपन में आनंद भर देता है, खुशी से भरपूर कर देता है मुझे। तो कभी जहाँ कहता है कि अक्सर जब मैं अपने सोफे पे शून्य अवस्था में जा उदास होता हूँ, तो लेटा होता हूँ, तो उस समय मेरे अंतर मन में जब वो फूलों का दृश्य सामने आता है, तो मेरे अकेलेपन में वो अकेलेपन को खुशियों से भर देता है। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फील्स, और तब मेरा जो दिल है वो खुशी के साथ भर जाता है। एंड डांस विद द डैफोडिल्स, और उन डैफोडिल्स के साथ, मीन उन फूलों के साथ, उनकी तरह ही जे भी झूमने और नाचने लगता है। तो जिस जहाँ कवि का कथन है कि जब कभी वो उदास होता है, उसका मन थोड़ा ऐसे होता है, तो उस समय उसको जब अचानक वो फूलों का दृश्य उसके मन मस्तक में आता है, अपीयर होता है, तो उस समय वो जो उसका उदास वाला जो मूड है, पेंसिव मूड है, वो उससे निकल आता है, और उसका दिल जो है जो खुशी से, आनंद से, ब्लिस से भर जाता है। तो ये जहाँ कवि का कहने का कथन था। आइए आगे इसकी कंप्रीहेंशन एक्सरसाइज पर चलें। तो ये देखें, जो फूल हैं डैफोडिल्स के, इस तरह के फूल हैं, नेवर एंडिंग लाइन में हैं, स्ट्रेस्ड हुए हैं जहाँ तक भी झील के किनारे किनारे। तो इसके आगे हम देखेंगे कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो पहले पांच हैं, इनको देखते जाएं और पेंसिल ले लें, इनको साथ साथ भरते जाएं। वन डे व्हाइल वॉकिंग इन द कंट्री साइड द पोएट सा थाउजेंड्स ऑफ डैफोडिल्स, थाउजेंड्स ऑफ डैफोडिल्स, दूसरे में भरे, द फ्लावर्स वर ग्रोइंग बिसाइड द लेक एंड बीनथ द ट्रीज, बिसाइड द लेक एंड बीनथ द ट्रीज, थर्ड में चले, द फ्लावर्स वर फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, द फ्लावर्स वर फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, फोर्थ, द पोइट रिकॉल्स दिस साइट व्हेन ही इज इन अ पेंसिव मूड, ही इज इन अ पेंसिव मूड, PENSIVE, पेंसिव मूड, फिफ्थ और लास्ट वन में देखें, द पोइट हैज कंपेयर्ड हिमसेल्फ टू अ लोनली क्लाउड, लोनली क्लाउड दैट इज पासिंग ओवर हिल्स एंड वैलीज, ही हैज कंपेयर्ड द डैफोडिल्स टू द स्टार्स दैट शाइन इन द मिल्की वे। नेक्स्ट चलते हैं साउंड एंड प्रोनाउंसिएशन पर। द राइम स्कीम ऑफ द पोइम इज, तो जहाँ अगर पहले में देखें तो पहली जो लाइन है इसकी जी वाली, इसको हम इस तरह से देखेंगे कि फर्स्ट जो लाइन है, आई वांडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, जे ए में, और दूसरी लाइन बी में, तीसरी लाइन किस में आ जाती है, ए में, चौथी लाइन भी आ जाती है बी में, और आगे वाली जो दोनों लाइनें हैं, बिसाइड द लेक बीनथ द ट्रीज फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, तो ये दोनों लाइनें सी सी में आती हैं। तो इनका हम अगर करें, द राइम स्कीम ऑफ द पोइम इज, द राइम स्कीम ऑफ द पोइम इज, ये आ गया आपका बी,
बी को टिक कर लीजिए, बी चॉइस इज द करेक्ट चॉइस, ए बी सी सी। सेकंड में चलें, सर्कल द ऑड वन आउट, तो ए पार्ट में माइटली इन सर्कल कर लें, जे ऑड वन है। बी में फॉर एवर, जे ऑड वन इसको इन सर्कल करें। सी में फ्लटरिंग, इसको इन सर्कल करें। और डी में अटेंटिव, इसको इन सर्कल करें। और ई पार्ट जो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो है ब्रेथ, इसको इन सर्कल करें। थर्ड हमारे पास आ जाता है, फाइंड थ्री वर्ड्स इन द पोइम विद ए साइलेंट एच, टू विद द साइलेंट जी एंड टू विद द साइलेंट ए। तो लिखेंगे इसके एच के साथ, विच व्हेन व्हाट, ये तीन इससे बनेंगे। डबल यू से विच व्हेन व्हाट, फिर जी से करेंगे जहां जी साइलेंट, ब्रॉट थॉट। ए से बनाएंगे हेड बीनत, हेड और बीनत। चलिए आगे हमारे पास एप्रिसिएशन में आ जाता है, ये देखें एप्रिसिएशन में, इसको अगर आप देखें तो एलिट्रेशन इज द रिपीटेड यूज ऑफ सेम साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स दैट आर क्लोज टुगेदर दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। द साउंड एच इज यूज ट्वाइस इन द फ्रेज हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। फाइंड टू मोर एग्जाम्पल्स ऑफ एलिट्रेशन इन द पोइम। फर्स्ट में देखें, What wealth the show to me had brought, फिर से रिपीट करूंगा, What wealth the show to me had brought। Second, beside the lake beneath the trees। चलिए इसके साथ हम आगे चलते हैं, मैच द फॉलोइंग टू मेक सिमिलीज एग्जाम्पल ऑफ ए सिमिली फ्रॉम द पोइम वन, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। तो जहाँ पे ए और बी दिया है इसके आपने मैच करने हैं, तो ये आपका मैचिंग में आ जाता है। एज लाउड एज थंडर, इसके आगे थंडर कर लीजिए। As merry as a lark, L-A-R-K lark। Third के साथ as quiet as a mouse। Fourth में कीजिए as ageless as the sun। Fifth में कीजिए as afraid as ए ग्रास हूपर। और छठे में कीजिए एज ब्लाइंड एज अ बैट, एज ब्लाइंड एज अ बैट। तो इसी के साथ आपका जे वाला लेसन, जे वाली पोइम पूरी, इसकी एक्सरसाइज भी होगी, जे जहाँ पे समाप्त करते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क द क्वेश्चंस, ठीक है, टू योर कंसर्न्ड टीचर्स। थैंक यू वेरी मच।